चार पांच साल से मैं जाल में चल रहे हैं। मेरे को चार पांच साल से सिर में बहुत दर्द होता है, समस्या घटती नहीं बढ़ती है। मुझे कोई उपाय बताइए। माया बैल के रूप में दिखाई देती है। उससे बचने की कोशिश करती हूँ, फिर भी गलत सोच लाने की कोशिश करती हूँ। हाँ। अंदर से अच्छा नहीं लगता है, इसका निवारण बताइए। क्या होता है जिसको जिस प्रकार से दुख हुआ, किसी ने किसी का पानी में गिर करके मृत्यु हुआ, किसी के कार का एक्सीडेंट हुआ, तो उसको आत्मा को याद है, कार देखते विचार आता है, अरे एक्सीडेंट हो जाए तो देखते डर लगता है, किसी को पानी देखते ही डर लगती है, किसी को आग में कुछ हुआ है, आग देखते ही मन विचार देने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है, क्योंकि जो घटना उनके साथ घटी हुई है बुद्धि को याद है। तो इसके लिए जो आपने कहा कि एक सिर दर्द क्यों हो रहा है, उनको कभी गाय बैल ने मारा हुआ है, कुछ दुख दिया हुआ है, वो याद है, देखते ही डर आते, डर आ गया, मन में विचार आता है, बुद्धि के अंदर भारीपन आ जाता है, सिर दर्द होता है। तो सिर दर्द दो प्रकार के कारण है। एक्चुअली सिर दर्द का कारण जानना चाहिए पहले, जो पहला प्रश्न पूछा। एक सिर दर्द होता है आंखें का नंबर चेंज हुआ, दवाई नहीं, पहले आंखों का नंबर चेंज करो। एक दूसरा, आजकल गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण भी सिर दर्द। उसके लिए कैस्ट्रॉल एरंडी का तेल मिलता है, एरंडी का तेल एक चम्मच रात को सिर पर डाला, सिर को ठंडा चाहिए, सिर पर डालो तो अगर शरीर शारीरिक बीमारी अगर है तो एरंडी के तेल से ठीक हो सकता है, ठंडा हो जाएगा जो गर्मी से होता है। दूसरा, बहुत अगर बच्चे बहुत पढ़ते रहते हैं, नजदीक किताब पकड़ करके मोबाइल बहुत पकड़ के देखते रहते हो, उसके कारण भी आंखों के ऊपर इफेक्ट होता है, उसके कारण सिर पर इफेक्ट होता है, उसके वाइब्रेशंस बहुत तेज है, इतना करंट है, तो उसके कारण हो सकता है। अगर शारीरिक है तो आप कैस्टर ऑयल से ठीक होगा, एरंडी का तेल ठंडा करना चाहिए। दूसरा, आपने कहा डर लगता है कि बैल को देखते गाय को देखते किसी को, तब क्या करो, एक संकल्प रखो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, बाबा मेरे साथ है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता है, ये अपने आप पढ़ाते रहो, मेरे मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। तो अगर जैसे भक्ति मार्ग में भगवान का बच्चा, जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता, तो भगवान आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन स्मृति में उसकी विधि बताया था, एक रास्ते पर चलो, निरंतर बाबा की याद रहे, कैसे किसी को देखते ही मन ही मन में शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दो, बार बार बाबा को बुलाते रहो तो बाबा की याद है, जहां बाबा मेरे साथ याद है तो साथ है, तब उसको कोई भी परिस्थिति हो तो डर नहीं लगेगा, अभी लगता मैं अकेला क्या करूंगा क्या होगा, जहां अकेलापन हुआ वहां डर है, क्योंकि बहुत पाप किया हुआ है, मनुष्य को डर आने का कारण पाप है, जो पाप नहीं है उसको कोई डर नहीं है, निश्चिंत है, पाप ही डराता है। तो इसके लिए दो तरीका, एक बताया शारीरिक अगर बीमारी है तो एरंडी का तेल डालो, सिर ठंडा होगा, दूसरा याद रखो मैं किस, मेरे साथ कौन है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा, तो बाप को साथ रख के चलो। रात को सोने के बाद अगर आपको बुरे विचार आते हैं, स्वप्न आते हैं, तो सोते समय एक पुरानी मुरली कोई लेके पढ़ते पढ़ते सो जाते, अच्छे विचारों में सोना चाहिए। तो कैसे अच्छे विचार आए, तो मुरली है, मुरली लेकर पढ़ते पढ़ते जो आंखें भी भारी हो जाते, पढ़ते पढ़ते सो गए, अच्छे पढ़ते पढ़ते सो गए, तो मुरली पढ़ते पढ़ते सो जाओ, कोई दर्द नहीं, बुरे स्वप्न नहीं, बुरे विचार नहीं, सबसे मुक्त हो, तो ये करना चाहिए।